हेलो, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आपने गूगल फोटोज़ के बारे में तो सुना ही होगा। गूगल फोटोज़ को ऑनलाइन बैकअप के तौर पे यूज़ किया जाता है। गूगल फोटोज़ इसलिए यूज़ होता है क्योंकि अगर आपके फ़ोन में स्टोरेज फुल हो गया है, आपके फ़ोन की फ़ोटोज़ वीडियोज़ आपके फ़ोन में नहीं आ रही हैं, तो लोग उस बैकअप को यूज़ करते हैं गूगल फोटोज़ को, और उसमें अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को सेव कर लेते हैं। तो वहाँ पे कोई आपको स्टोरेज की भी टेंशन नहीं होती, कोई आपको डिलीट होने का भी खतरा नहीं है। आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एक तरह से सेफ रहती हैं और डिलीट होने का भी खतरा नहीं होता है। तो कई बार होता क्या है कि वहाँ से भी फ़ोटोज़ हम डिलीट कर देते हैं या हमसे गलती से हो जाती है, और हमें वो फ़ोटोज़ वापस चाहिए, तो हमें कैसे मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, गूगल फोटोज़ अगर आप यूज़ करते हो, आपकी फ़ोटोज़ उसमें से डिलीट हो गई हैं, तो आप उनको इजीली रिस्टोर कर सकते हो। आप गूगल फोटोज़ में आपकी डिलीट हुई फ़ोटोज़ 60 डेज तक रहती हैं। आपको मैं बताऊंगा कैसे आप रिस्टोर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अपना गूगल फोटोज़ एप्लीकेशन में आप जाओगे या आप ब्राउज़र पे भी जा सकते हो अपना साइन इन करके, और वहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस वाला एक ऑप्शन मिलेगा आपको। उस पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैश या बिन, ठीक है। ट्रैश या बिन इनमें से एक ऑप्शन मिलेगा। आप इन दोनों में से किसी पे एक पे क्लिक करोगे तो आपकी सभी फ़ोटोज़ वहाँ पे आ जाएंगी जो आपने डिलीट की थी, ठीक है। उन सभी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ के नीचे एक ऑप्शन और होगा रिस्टोर का। जब आप रिस्टोर के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे तो आपकी जो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो सारी रिस्टोर हो जाएंगी, और आपकी जो गूगल फ़ोटोज़ हैं उसमें सब कुछ आपका डेटा वापस आ जाएगा। अब एक बात और बता देता हूँ कि गूगल फ़ोटोज़ में अगर आपकी फ़ोटोज़ डिलीट हुई हैं, आपने डिलीट की हैं, तो वो ट्रैश और बिन फोल्डर में भी तब तक रह 60 दिन तक रहती हैं। तो 60 दिन से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो वहाँ भी नहीं रहती, आप फिर उनको रिस्टोर भी नहीं कर सकते। तो अगर जब भी आपका कोई डेटा डिलीट होता है, अगर 60 दिन के अंदर अंदर आप उस डेटा को रिकवर कर लो, रिस्टोर कर लो, क्योंकि 60 दिन के बाद तो वहाँ से भी उड़ जाता है, फिर तो आपका डेटा गया समझ लो। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताना था, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं पता कि गूगल फोटोज़ से अगर हमारा डेटा डिलीट हो जाए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो जाए, तो हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। बहुत इजीली तरीका है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइंस वाला एक ऑप्शन मिलेगा, ऊपर जब गूगल फोटोज़ में जाओगे वहाँ पे ट्रैश और बिन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करोगे तो आपकी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वहाँ पे शो होने लगेंगी जो आपने डिलीट की थी। तो उसके नीचे एक और ऑप्शन मिल जाएगा आपको रिस्टोर का, तो आप इजीली रिस्टोर कर सकते हो वहाँ से। तो बस आज की वीडियो में आपको यही बताना था कि गूगल फोटोज़ अगर यूज़ करते हो, एक बैकअप के तौर भी यूज़ होता है, आपके फ़ोन का स्टोरेज अगर फुल हो जाता है तो आप वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपना डेटा सेव करके रख सकते हो। तो अगर वहाँ से भी आपका डेटा डिलीट हो जाता है तो 60 दिन के अंदर रिकवर कर सकते हो, वो आपको इस वीडियो में मैंने बता दिया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।